क्या कुछ बताना चाहेंगे सर, आज जैसे 8 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं सर? ये हमारे 8 टोटल पॉजिटिव केस आए हैं, हमने जिनमें 4 तो हमारे कंटेनमेंट जोन पंतनगर जखोली अड्डे से, एक पंतनगर कंटेनमेंट जोन से है, और 2 पॉजिटिव केस सीवन से हैं और 1 डिफेंस कॉलोनी से हैं, जिनकी ट्रेवलिंग हिस्ट्री गुड़गांव की है, और जो दंपत्ति था वो रजिस्ट्री करवाने के लिए आया था, वो चला गया वापस। तो जो कंटेनमेंट जोन बनेंगे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो जो हम सैंपल लेंगे और आइसोलेशन के लिए, सर ये माना जाए कि जो दंपत्ति गुड़गांव से यहाँ पहुँचे थे वो रजिस्ट्री के लिए आए थे, उसके कॉन्टैक्ट में तहसीलदार, कानूगोया, पटवारी भी हो सकते हैं, तो उनको भी आइसोलेट किया जाएगा? जो हमारे सर्वे में आएंगे उस आधार पर हम उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से उनको होम आइसोलेशन की सलाह देंगे। अब देखना यह है कि वो जो दंपत्ति गुड़गांव से सीवन रजिस्ट्री के लिए आए थे, अब वो किस किस कॉन्टैक्ट से मिले हैं, कौन कौन उसके कॉन्टैक्ट में आए। लेकिन कैथल से बड़ी खबर ये कि कैथल में 8 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, यार संख्या की अगर हम बात करें तो कैथल में अब टोटल जो संख्या की बात करें तो 48 जो है वो हो गए थे, जिसमें से 30 लोग जो है वो ठीक होकर घर चले गए थे, 18 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट है वो बचे हुए थे। लेकिन अब इन 8 और को मिलाकर अब कैथल में कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो है 26 हो गई है। लेकिन हम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर शमशेर जी हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है, हमारी अधिकारी हैं वो, उनसे पूछेंगे क्या कुछ उनका मामला है, क्या वो कहना चाहेंगे इस बारे में। लेकिन इस समय कैथल से बड़ी खबर, कैथल में 8 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जो 5 लोग जो हैं वो कंटेनमेंट जोन रिपोर्टिंग सरकार द्वारा